हमीरपुर में गाड़ियों की पासिंग के लिए आरटीओ द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पासिंग की जा रही है और खामियां होने पर गाड़ियों की पासिंग नहीं की जा रही है। पासिंग के लिए पहुंची गाड़ियों की पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही स्वयं आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र सिंह द्वारा गाड़ियों की पासिंग की जा रही है। आरटीओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बिना औपचारिकताएं पूरी करने वाली गाड़ियों की पासिंग नहीं की जा रही है, क्योंकि सवारियों की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। बता दें कि पासिंग डे के अवसर पर 200 गाड़ियां पासिंग के लिए पहुंची थी, जिनमें से 192 गाड़ियों को पास किया गया है। आरटीओ वीरेंद्र सिंह के अनुसार 6-7 गाड़ियों में कमियां थी जिन्हें पास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पासिंग के लिए गाड़ियों की कंडीशन के अलावा बाकी सारी चीजों की गहनता से पड़ताल के बाद ही पासिंग की जा रही है। आज हमीरपुर में पासिंग का डे था, तो आज हमने करीब 200 के करीब गाड़ियां हमारे पास कमर्शियल आई, प्राइवेट और कमर्शियल, और उनमें से कोई 191 गाड़ियां जो हैं, जैसे मैं अभी वहाँ से करके आ रहा हूँ, तो उतनी हमने पास की हैं। लगभग 35 गाड़ियां जो हैं वो प्राइवेट हैं और बाकी जो हैं वो कमर्शियल हैं। 6-7 में कुछ डिफेक्ट्स निकले तो उनको हमने बोला है कि वो करेक्ट करें, क्योंकि हमारी नेक्स्ट डे जो पासिंग की है वो है 17 को ही हमीरपुर में, 17 को उनको पास करेंगे। कल हमारा ड्राइविंग टेस्ट है यहाँ पर, तो जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है कल उनके ड्राइविंग टेस्ट भी हमीरपुर में। यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊँ तो हमारा पर्पज़ ये होता है कि पासिंग के लिए जो गाड़ी आई वो कम से कम पूरी तरह से फिट हो, चलाने के लिए भी फिट हो, क्योंकि कल को उन्होंने सवारियों को लेकर जाना है, पैसेंजर की सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है, तो उसकी कंप्लीट फिटनेस होनी चाहिए। हम ऑलमोस्ट सभी चीज़ें चेक करते हैं कि प्रॉपर ब्रेक्स हैं, क्या उनका वाइपर काम कर रहे हैं, क्या लाइट्स काम कर रही हैं, क्या जो उन्होंने जो हॉर्न वगैरह जो लगा रखे हैं वो प्रॉपर चल रहे हैं, इस तरह जो सीट्स हैं, सीट कवर्स क्या बिल्कुल ठीक हैं। कई गाड़ियों के सीट कवर फटे हुए थे, तो उनको भी हमने आज इंस्ट्रक्शन दी कि आप अपनी सीट्स कवर को चेंज करें, प्रॉपर सीटिंग कवर करें। कई जगह से गाड़ियों का क्या है कि कुछ वेल्डिंग वर्क की ज़रूरत होती है, कहीं से वो टूट फूट गया है उसके सिस्टम में, तो जैसे छत के ऊपर है तो वेल्डिंग है, उसके बाद प्रॉपर पेंट होना चाहिए, जो उसमें प्रॉपर मार्क्स जो हैं गाड़ी के, वो सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्टली मोटे तौर पर हम चेक करते हैं, उसको चलाते हैं, और चलाने के बाद ये देखते हैं कि क्या वो गाड़ी फिट है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पासिंग के लिए आई है तो प्रॉपर उसमें उन्होंने उसकी केयर की।